नमस्कार, महके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है भक्ति काल की निर्गुण संत परंपरा के कवि कबीर का एक पद। इस पद में कबीर ने उस परम सत्ता परमात्मा को कण कण में स्वीकार किया है। वह अविनाशी तो घट घट में बसा है, हर हृदय में व्याप्त है। तो चलिए बढ़ते हैं पद की ओर। सबसे पहले इस पद का पाठ। कबीर लिखते हैं, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गड़े सब भांडे, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काये रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। वे आत्मा और परमात्मा को एक रूप में देखते हैं। आत्मा परमात्मा का ही एक रूप, एक अंश है। जो लोग उस परम तत्व का विभाजन आत्मा परमात्मा या जीव ब्रह्म के रूप में करते हैं, वास्तव में उन्होंने परमात्मा को जाना ही नहीं। कबीर कहते हैं कि मेरे लिए तो ईश्वर एक है। मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। जो भेद करते हैं, द्वैत को मानते हैं, जिन्होंने परमात्मा को जाना ही नहीं, उनको दोजक यानी नरक मिले, वे नरक के भागीदार हों। आगे कबीर कहते हैं, एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। कबीर एकेश्वर का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि इस सृष्टि में एक ही वायु है, एक ही जल है, और उस एक परमात्मा की ज्योति सारे संसार में फैली है। इस संसार का सृजनहार, रचनाकार भी एक है। सभी की रचना एक ही मिट्टी से हुई है, और एक ही कुम्हार ने, उसी एक ईश्वर ने हमें बनाया है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पंच तत्वों से उस कुंभकार ने हमारा निर्माण किया है। फिर कबीर लिखते हैं, जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोही। जिस तरह बढ़ई यानी लकड़ी का कारीगर लकड़ी को काट सकता है, लेकिन उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है, लेकिन उसमें निहित आत्मा अमर है, अकाट्य है, अविनाशी है। हे परमात्मा, सभी प्राणियों में तू ही व्याप्त है, तेरी ही विद्यमानता है। तूने ही भांति भांति के रूप स्वरूप धारण किए हैं। अंत में कबीर लिखते हैं, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। यह जगत, यह संसार माया में उलझा है, माया उसे लुभाती है। धन, संपत्ति, रूप, सौंदर्य, यही तो माया है जिस पर मनुष्य मुग्ध है। कबीर चेतावनी देते हैं कि हे मनुष्य, तू क्यों इस झूठी माया पर घमंड करता है। जो मनुष्य माया के बंधन से मुक्त हो जाता है, इस झूठी शान और शौकत से ऊपर उठ जाता है, वह निर्भय हो जाता है, उसे कोई भय नहीं सताता। प्रभु के प्रेम में दीवाने कबीर भी ऐसे ही निर्भय हो गए हैं। संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त हो गए हैं। तभी तो उनमें वह दीवानगी, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव उतर आया है। तो ये थी आज की प्रस्तुति। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।